हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी किचन। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक राजस्थानी रेसिपी, मिर्ची का कूटा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नॉलेज सबसे पहले आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आइए चलिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड स्पाइसी किचन में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको रेसिपी बताने जा रहे हैं वो राजस्थान से है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, ये यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको अचार के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसको हम कहते हैं मिर्ची का कूटा। मिर्ची का कूटा जो होता है उसको यहाँ पे अचार के फॉर्म में खाया जाता है। और खास बात यह है कि इसको आप बना के 7 से 8 दिनों तक के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। बस जब भी खाने का मन हो थोड़ा सा चम्मच से इसको मिला लीजिए, ताकि जो इसके नीचे ऑयल होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको आप पूरी पराठे या चपाती के साथ यूज कर सकते हो, कहीं पे भी जर्नी में इसको ले जा सकते हो अपने साथ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मिर्ची का कुट्टा बनाने के लिए जो जो हमें सामग्री चाहिए है वो है हमारी, हमने 7 से 8 हरी मिर्च ली हुई है। इस तरीके की हरी मिर्च मार्केट में मिल जाती है। इसको हमें क्या करना है, बीच से ऐसे चीरा लगा के, इस तरीके से बीच में से इसको चीरा लगा के फिर इसको महीन महीन काट लेना है। इस तरीके से फ्रेंड काटना है। और उसके बाद हमने लिया हुआ है ये 1 छोटी चम्मच सौंफ है, ये 1 छोटी चम्मच पिसी हुई खटाई है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा है, 2 चम्मच या फिर आप कह सकते हैं 1.5 टेबल स्पून हमने मेथी दाना लिया हुआ है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी है, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर देगी और मिर्ची तो ऑलरेडी तीखी है ही। और ये हमने ली हुई है 1/2 छोटा चम्मच लिया हुआ है राई का, कलौंजी ली हुई है हमने 1 छोटा चम्मच, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, हींग ली हुई है 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 कप हमने दूध लिया हुआ है, दूध से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि अचार के फॉर्म में बनता है, तो इसमें हमने ऑयल लिया हुआ है करीब 1/3 कप। चलिए बनाते हैं इसको। फिर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो मेथी है उसको करीब 1/2 ग्लास पानी में इसको अच्छे से 3-4 उबाल आने तक बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसको हम छान लेंगे और फिर 3-4 बार नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से मेथी को, जिससे ये इसका कड़वापन है वो पूरा निकल जाएगा और मेथी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसको हम मिर्ची के कूटा में मिलाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए मेथी में हमारा 3 से 4 बॉईल आ चुके हैं। अब इसको हम निकाल के छान के और 2-3 बार नॉर्मल पानी से भी इसको धो लेंगे, जिससे इसका जितना बचा हुआ कड़वापन है वो सब निकल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए कढ़ाई में हमने ये जो हमारा तेल था वो लिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे ये जो हमने राई ली हुई है ये डालेंगे और इसको करीब चटकने तक, इसको जब तक ये चटकती नहीं है तब तक इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा सा 1/2 मिनट के लिए ही बस इसको चलाना है। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी राई जो है ये चटकने लगी है और अब इसमें हम ये हमारा जीरा डालेंगे। सौंफ से एक बहुत ही अच्छी इसमें अरोमा आती है। ये हमारी कलौंजी, ये डालेंगे करीब हल्का सा गोल्डन होने तक इसको चलाएंगे। सौंफ का कलर फ्रेंड्स देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें अपनी ये जो मिर्च है इसको हमें ऐड करना है और करीब 1/2 मिनट तक लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर इसको भूनना है। फ्रेंड्स, देखिए 1/2 मिनट हो चुका है और धीमी आंच पे हमने इसको लगातार चलाते हुए भूना है। अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे जो हमारी मेथी हमने बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। और फिर इसको मीडियम फ्लेम करेंगे इसकी और इसको 1 मिनट के लिए ढक के इसको पका लेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है और हमारी मिर्ची भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हल्दी, ये हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है सिर्फ कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें। और इसमें फ्रेंड्स सॉल्ट जो यूज करेंगे, नमक यूज करेंगे, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिएगा क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तेल बहुत ज्यादा है, पर अगर आप चाहो तो कम यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा तेल में अच्छी बनती है, तो लगातार चलाना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 चम्मच करीब हींग डालेंगे ऊपर से, इससे थोड़ी इसकी जो स्मेल है ये बहुत ज्यादा ही अच्छी आएगी और इसमें जो सॉस की स्मेल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। सारे स्पाइसेस बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल दे रहे हैं
फ्रेंड्स अब इसमें ऐड करेंगे जो दूध लिया था हमने 1/4 कप वो, और इसको हल्का गाढ़ा होने तक, जब तक दूध बिल्कुल इसमें मिक्स ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहना है और इसको अच्छे से कुक कर लेना है, और फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा। फ्रेंड्स ये जो मिर्ची का कूटा होता है ये हमारा बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है, और इसको स्टोर करके भी हम 7 से 8 दिनों तक रख सकते हैं। जब इसमें दूध पूरा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, मावा फॉर्म में आ गया है, तो सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिसी खटाई। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें नींबू भी यूज कर सकते हैं। ये हमने पिसी खटाई ली हुई है, ये डालेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है ये। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा मिर्ची का कूटा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप चाहो तो इसको गरम गरम ही खा सकते हो, पूरी पराठे या चपाती के साथ, और अगर आपको नहीं अभी खाना है तो आप इसको बनाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और फिर इसको किसी भी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में आप इसको 7 से 8 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा मिर्ची का कूटा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड्स इसको आप पूरी पराठी या चपाती किसी के भी साथ एंजॉय करिए, बस इसको खाने से पहले एक बार चम्मच से अच्छे से चला लीजिए ताकि जो ऑयल नीचे हो गया है वो ऊपर सब में मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट जो रेसिपीज हैं उसकी नॉलेज आपको सबसे पहले मिलेगी। और भी नई रेसिपी के साथ हम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव फन एंड हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।